हेलो गाइस, मैं हूं नितीश मंडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डीसी की अपकमिंग मूवी बैटमैन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। हम बात करेंगे बैटमैन मूवी में कौन सी कास्ट कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल का है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटमैन से रिलेटेड। अब इसका जो रोल प्ले कर रहे हैं वो ऑफिशियली अनाउंस है वॉर्नर वर्ल्ड्स कंपनी की तरफ से, जो कि हैं रॉबर्ट पैटिंसन। ये हूबहू बैटमैन जैसे लगते भी हैं और ट्विलाइट का इनका जो काम था वो मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आया था, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसी के साथ बैटमैन का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है हमारा एल्फ्रेड, जो कि बैटमैन की मदद करता है उसके टैग चलाने में और उसकी सेवा करने में। तो उसका जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है एंड्री स्ट्रैक। आप इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये ब्लैक पैंथर में काम कर चुके हैं और काफ़ी कमाल के एक्टर हैं और ये मोशन कैप्चर में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर है। वॉर ऑफ द प्लैनेट इन्हीं की मूवी थी, अगर आपको पता होगा। उसी के साथ बात करते हैं थर्ड कैरेक्टर की, जो कि बैटमैन का सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा कमिश्नर गॉर्डन। अब कमिश्नर गॉर्डन का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो है जेफ्री। अब जेफ्री ज़्यादातर सीरियस रोल प्ले करते हैं और इसलिए उनको ये रोल मिला है क्योंकि कमिश्नर गॉर्डन का जो पुलिस वाला कैरेक्टर है वो उनको बैट सिंगल देगा और इस टाइप का कैरेक्टर सीरियस ही होना चाहिए। उसी के साथ बात करती हैं अब विलेन के। तो जो पहला विलेन है वो है कैटवुमैन, काफ़ी कमाल का कैरेक्टर है और इसका जो रोल प्ले करने वाली है वो है जोई। अब जोई एक्चुअल में एक ब्लैक कास्ट है और इससे पहले जो ऑफिशियली मूवी आई थी कैटवुमैन की उसमें भी एक ब्लैक कास्ट करी गई थी। तो अब इनकी एक्टिंग कैसी होगी, मैंने तो अभी आज तक अभी शायद गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा इनको और ज़्यादातर कहीं नहीं देखा। उसके बाद जो सेकंड विलेन है वो है रेडलर। अब जिम कैरी इसका रोल प्ले करते आ रहे हैं, जिम काफ़ी कमाल का कैरेक्टर था और देन उसी के साथ अब इस मूवी में पॉल को कास्ट करा गया है। तो कितना ज़्यादा इस चीज़ को ये फनी बनाएंगे ये तो मूवी ही देख के पता चलेगा और पॉल के बारे में मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। उसी के साथ अब थर्ड विलेन है जो है काफ़ी कमाल का पेंगविंग। इसको हमने बैटमैन फॉरएवर में देखा था, काफ़ी कमाल का कैरेक्टर था पेंगविंग, पर इसका रोल प्ले करने वाले हैं क्लेन। तो ये फैंटास्टिक बीस्ट में आपने इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे, देखा भी होगा और इनका जो काम था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो मेरे हिसाब से पेंगविंग का अब इनका मेकअप कैसा होगा, ये कैसे देखेंगे, ये ऐसा भी कुछ कंफर्म नहीं है, पर ये एकदम ऑफिशियली कास्ट है जो कि बैटमैन मूवी में हमें देखने को मिलेगी। अब 2021 में बैटमैन मूवी रिलीज हो रही है तो मैं तो ये कहना चाहूँगा जो एल्फ्रेड है, हमारी कैटवुमैन है, कमिश्नर गॉर्डन है और इसी के साथ हमारे रेडलर जो मेन कैरेक्टर है ना, ये अपना रोल अच्छी तरीके से करें तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में डीसी में भी बैटमैन टॉप पे जाए, जैसा कि अभी हाल ही में जोकर भी सुपरहिट गई थी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर बैटमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।